आज जो रावण दहन हुआ है इसका महत्व क्या है? पूरा असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, इसी का एक मात्र साधन बनाया जाता है। रावण को दशानन कहते हैं, जिसे दस दिशाओं का ज्ञान था, भूगोल खगोल विज्ञान और वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था, किंतु एक ही उसके अंदर दोष था, वो चारित्रिक दोष। और करेक्टर इज लॉस्ट एवरी समथिंग इज लॉस्ट, जिसका करेक्टर गया उसका सब कुछ चला जाता है। ये बताया जाता है कि रावण के भाई विभीषण रावण के साथ छल किया था, छल नहीं करते तो राम जी राम नहीं अंत नहीं होता, ये कहना हमारा बिल्कुल मिथ्या है। कारण है कि जब सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए विभीषण ने उन्हें सरमार्ग दिखाया, फिर भी उसने गलत कर दिया, अपने भाई को भी लात मार करके एक तरफ हटा दिया, उसको भगा दिया, उसको तिरस्कृत किया। जो व्यक्ति समाज से उपेक्षित होता है वो केवल प्रभु की शरण में ही जाता है, इसलिए वो भगवान की शरण में पहुंच गए। और भगवान की शरण में जाने के बाद उसे मालूम थी कि ये राक्षस कुल का भगवान ने संकल्प लिया है कि पूरे राक्षस कुल का विनाश मुझे करना है। आधा कार्य हनुमान जी ने कर दिया था और आधा कार्य विभीषण ने करा दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जगह जगह पर रावण, घर घर में रावण पैदा होते, इसमें कोई संशय नहीं है।